राजनीतिक सामाजिक सरोकार से भरपूर देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों से करेंगे आपको रूबरू। आइए रुक करते हैं आज के खबरों की ओर आपके अंदाज में। ताज़ा अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीपी न्यूज 24/7। यहाँ इस वक्त की बड़ी खबर, अवैध शराब फैक्ट्री का किया भंडाफोड़, 1200 लीटर पिशप्रिट, 30 पेटी शराब बरामद, 25 लाख कीमत दो, गिरफ्तार एक फरार। आजमगढ़ गोतवाली जियनपुर थाना जनपद सहित आसपास के जिलों के सरकारी ठेकों पर अवैध शराब की बिक्री धड़ल्ले से की जा रही थी। इसका खुलासा उस वक्त हुआ जब एसटीएफ की यूनिट के जियनपुर थाना पुलिस ने आज संयुक्त रूप से जियनपुर थाना क्षेत्र के दाऊदपुर में छापेमारी कर अवैध शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। एसटीएफ और आजमगढ़ पुलिस की कार्रवाई में भारी मात्रा में अवैध शराब और शराब बनाने का सामान बरामद हुआ है। जिले में चल रही अवैध शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ होने की सूचना पर जिलाधिकारी राजेश कुमार और पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह जियनपुर थाने पहुंचे। इस दौरान एसपी और डीएम ने बताया कि इस कार्रवाई में 30 पेटी अवैध शराब, 12 लीटर स्प्रिट, यूरिया, नौसागर, हजारों खाली शीशियां, ढक्कन, रैपर और बारकोड बरामद हुआ। एसपी ने बताया कि दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि अवैध शराब फैक्ट्री संचालित करने वाला मुख्य आरोपी पन्नालाल, जो कि घोसी जनपद मऊ का निवासी है, फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। बताया कि यह लोग बंटी, बबली, बॉम्बे स्पेशल जैसे शराब के रैपर को सीसी पर लगाकर बारकोड के साथ सरकारी ठेकों पर सप्लाई किया करते थे। बताया कि आज भारी मात्रा में अवैध शराब मिलने के बाद जिले और पड़ोसी जनपदों के सभी सरकारी शराब की दुकानों पर चेकिंग की जा रही है, जिससे कि इस शराब को पीने से कोई हादसा न हो। बरामद अवैध शराब की कीमत करीब 25 लाख रुपए बताई गई है। बाइट जिलाधिकारी आजमगढ़ राजेश कुमार, बाइट पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह। आइए देखें विस्तार से योगेंद्र प्रजापति की खास रिपोर्ट। सर, ये जो आज शराब पकड़ी गई कितने मात्रा में है और क्या कार्रवाई की? आज स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ की यूनिट और थाना जीएमपुर की पुलिस टीम द्वारा संयुक्त रूप से छापेमारी करके एक अवैध शराब की फैक्ट्री दाऊदपुर थाना जियनपुर क्षेत्र में पकड़ी गई है। इस फैक्ट्री में अवैध शराब की 30 पेटियां मिली हैं, जिसमें बहुत सारे ब्रांड हैं, बंटी बबली है, बॉम्बे स्पेशल है। इसके अतिरिक्त हजारों की संख्या में खाली शीशियां, उनके ढक्कन, रैपर, बारकोड और करीब 1200 लीटर जो अल्कोहल है, स्प्रिट है, वो मिली है। इसके अलावा इसमें जो जहरील शराब बनाने का जो यूज होता है, नौसादर वगैरह, यूरिया वगैरह, वो भी इसके अंदर मिला है। और इससे भारी मात्रा में जो अवैध शराब की शीशियां हैं वो पैक करके उन्हें सील करके उन पर बारकोड लगाकर पेटियों में भरकर बेचा जाता था। इसमें अभी दो लोग गिरफ्तार हुए हैं और इनसे पूछताछ चल रही है। इसका जो मेन अभियुक्त है पन्नालाल, घोसी का रहने वाला है और यहाँ से पैकिंग करके ये अन्य जिलों में यहाँ से सप्लाई किया करते थे। जिन जिलों में सप्लाई किया करते थे उनके पुलिस अधीक्षकों को बता दिया गया है ताकि अपने यहाँ चेकिंग कराएं। हम और डीएम साहब दोनों थाना जियनपुर पर मौजूद हैं। पूरे जनपद में चेकिंग चल रही है और आसपास के जनपदों में भी जो दुकानें हैं उनकी चेकिंग चल रही है ताकि कोई व्यक्ति इस तरह की शराब पीने से उसके साथ कोई हादसा ना हो। अवैध शराब
भरते हुए फैक्ट्री पकड़ी गई है, जिसमें करीब 1200 लीटर एल्कोहल मिला है। साथ में बहुत सारी शीशियाँ और ढक्कन ढक्कन भी है, और उसी तहत जो है शराब की शीशियाँ बना के बाहर भेजा जाता था। तो इसकी आगे की रणनीति ये बनाई गई है कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इन अभियुक्त अभी फरार है। जनपद की समस्त दुकानों पर चेकिंग की जा रही है कि किसी भी तरह से इस ब्रांड की वहाँ पर कोई भी शराब ना मिले। इसकी पूरी सभी दुकानों पर चेकिंग की जा रही है। PP News 24x7 सच्चाई कलम की नोक पर।